योगेश तूने अभी भी बोला कि डाइट अच्छा नहीं है इसका, और यहाँ पे एक आ चुका है फिर ऑर्डर एक मोमो भी योगेश का है, चौमिन भी है और बोल रहा है कि डाइट अच्छा। जो इसका यहाँ मेन ले पैलेस से टॉप फ्लोर का ले सिटी का व्यू इतना अच्छा देता है, कहीं से नहीं देगा। वही लगा पैलेस इतना 9 स्टोरी का बिल्डिंग जैसा लग रहा है वो भी। Good morning everyone, welcome you all to new block, new day, new life and new world. So आज हम यहाँ पे ले सिटी में, तो यहाँ पे आज राउंड अप करने वाले हैं। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं। So अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग चुका है जी भाई। तो ये लोग तो टूट पड़े, कभी भी खाना आया टूट पड़े, टूट जाते हैं हम लोग तो। तो ये खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। कैमरा में तो बस हम लोग को ही दिखता है टूटने का, बिहाइंड द कैमरा कोई दिखाता ही नहीं। बिहाइंड द सीन्स मुझे उतना पसंद नहीं है, खाता है किसको मालूम। खाना मुझे उतना पसंद नहीं है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ उनके साथ, साथ में होते तो खाने का मन करता है, नहीं तो वैसे भी छोड़ ही देते। ओके ये खाते फिर मिलते हैं। तो ऐसे ही अभी अभी पेड़ से निकला है एप्पल को, फ्रेश एप्पल है। बहुत बढ़िया भाई, इतना अच्छा टेस्टी है, अभी पेड़ से तोड़ के लाए। वही बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त है, बढ़िया बढ़िया। देखो भाई एकदम फर्स्ट क्लास ना, बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे आ चुका है इस पेड़ से, अभी अभी तोड़ा है एप्रिकॉट, तो एप्रिकॉट यहाँ पे कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया है एप्रिकॉट, बहुत बढ़िया ना, खाने का बढ़िया मतलब है, तो इसका मतलब ठूसे ही जा रहे हो भाई। हाँ ठूसे जा रहा, 10-15 तो आराम से खा लेंगे। सो अभी हम ले सिटी घूमने के लिए निकले हैं। पहले तो जाएंगे कौन कौन सा मुनाश्री, आज का गाइड है हमारा जिगमद, तो वो जहाँ लेके जाएगा हम भी वहीं उसके साथ चलेंगे। अभी मार्केट भी पहुँच गए और जैम भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं मार्केट अंदर जाने के लिए, कुछ एमजी मार्ग की तरह ये है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं कारों की ओर, वो 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सब मोनेस्ट्री और रास्ते में पड़ता है पैलेस भी। तो यहाँ पे जिगमद भाई और वंगदी के बाइक पे तो चलते हैं सिटी घूमते घूमते चलते हैं। सो जिगमद भाई यहीं पे वंगदी के बाइक में, और सब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और जो भी यहाँ का जितना भी मोनेस्ट्रीज है उनका वो डिस्क्रिप्शन बढ़िया देते हैं, तो प्रॉपर गाइड है, प्रॉपर गाइड और यहाँ का लोकल है तो सब कुछ पता भी है, तो हम उन्हीं के साथ घूमने के लिए निकले अभी। अरे की गल कर दे, जड़ नहीं माड़ा जड़ दे शौक माड़े। अंदर जा चुके हैं योगेश और वंगदी, आगे है जिगमद भाई योगेश के बाइक में, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, बढ़िया सा है मोनेस्ट्री, क्या मस्त पहाड़ पे आए हम जहाँ पे मोनेस्ट्री बसी है, और इतना सुंदर दिख रहा है देखिए, वाह वाह वाह। पहुँच गए ठीक से मोनेस्ट्री, और यहाँ से एकदम मस्त व्यू दिख रहा है, ये से जो देख रहे हैं ये से विलेज बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन से पूरा वैली ऐसे बसा है, और ये ठीक से मोनेस्ट्री। सो अभी हम व्हील रोटेट कर रहे हैं, इसको माने भी बोलते हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसको करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, तो ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे करेंगे। ओम मने भेमे, 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 ओम।
guys, right now we are in Thikse Monastery or Thikse Gumba. So which is located in Leh city, and it's 19 kilometer east from Leh in Ladakh. So it's resemblance with the Potala Palace in Tibet Lhasa. So ये construct हुआ था 15th century के आसपास में, और ये बसा है Thikse एक hill पे, और यहाँ पे देख सकते हैं वो है Indus River, और जो valley है एकदम beautiful नज़ारा देख सकते हैं, और इसका जो structure है आप जब यहाँ आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से बनाया है। पूरे रॉक के ऊपर जो माउंटेन होता है उसके ऊपर इसको बनाया गया है। उस टाइम का आर्किटेक्चर एकदम क्या बोलूँ, अभी वर्ड ही नहीं है। तो आप लोग जब आएंगे तो एक बार जरूर आना ले सिटी के अंदर। वोंगदियर मैंने बाइक चेंज कर लिया अपना, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। बहुत मजा आ रहा है एक्स फॉल्स 200 में। सो राइट नाउ वी आर इन हिमेश मोनेस्ट्री। इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन 1672, और पद्मा सम्भव को ऑनर करते हुए यहाँ पे हिमेश फेस्टिवल भी होता है, तो इम्पोर्टेंस यही है। और ये पड़ता है ले से 40-45 किलोमीटर। पुराने स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं पूरा पेड़ को लगाया है इसे दरवाजों में, तो बहुत ही सुंदर है। उस टाइम का आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया लाजवाब। सो एक्चुअल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जो ये सब बनाया ना ये सब पेड़ से बनाया है, ये सब लकड़ी है, तो देख ही सकते हैं बढ़िया बहुत ही सुंदर है। सो गुरु पद्मसंभवा। तो अभी हम जा रहे हैं हिमेश मोनेस्ट्री के अंदर। ये पुराना मोनेस्ट्री देख सकते हैं नीचे सब, ये देख सकते हैं रॉक का स्टेयर से, और यहाँ पे जितना भी लगाया है ये सब पेड़ है, देख सकते पूरा पेड़ है। वही तो दरवाजा देखिए, इस तरह का होता है लॉक सिस्टम। ये तो अभी नया है, लेकिन पुराना ऐसे ही होता था। तो अभी अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, इस विलेज का नाम है छुचुत विलेज। ये पड़ता है 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम ले सिटी। तो ये एशिया का बिगेस्ट विलेज है, तो बढ़िया है। यहाँ का आप एक नज़ारा देख सकते हैं, बीचों बीच ऐसे रोड है और साइड साइड में बढ़िया सा ग्रीनरी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप लेह लद्दाख में है, इस तरह का ग्रीनरी है। तो आगे जाके भी देख सकते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी छुचुत विलेज में हम थोड़ा सा बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया, और यहाँ पे हमें मिला सिबोकथुन। सिबोकथुन और इसको ले बेरीज भी बोल सकते हैं, ये एंटी एजिंग है तो इसीलिए सब टूट पड़े। हमने तो देखा था, लेकिन इसका ये फ्रूट्स जो है नहीं देखा था, पता नहीं ये बेरीज नहीं देखा था। अरे कांटा चुभ गए भाई, एकदम बढ़िया है भाई। अपना दूसरा दोस्त कहाँ गया? वो वहाँ बैठा है। मिक्सअप है, इसका टेस्ट थोड़ा मिक्सअप है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। अभी चलते हैं ले सिटी की ओर।
सो अभी हम जोमसा रेस्टोरेंट के सामने आए हैं, यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे जाके क्या है। विक्रम भाई ने रेफर किया है तो एक बार जाके टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू भी देते हैं। तो अभी हम लंच कर लेंगे, यहाँ देख सकते हैं मोमो आ गया और वोंगदी टूट पड़ा है अभी। यार टूट पड़ा मत बोलो यार। अरे दोनों एक साथ ऑर्डर क्यों किया? हाँ खाएंगे क्या है यार, एक खत्म करो फिर उसके बाद करो ना। योगेश कैसा है? मस्त बढ़िया, ये टेस्ट अच्छा है। योगेश तूने अभी भी बोला कि डाइट अच्छा नहीं है इसका, और यहाँ पे एक आ चुका है फिर ऑर्डर एक मोमो भी योगेश का है, चौमिन भी है और बोल रहा है कि डाइट अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, मेरा मेरा मोमो है और ये बोल रहा है कि मेरा डाइट अच्छा नहीं है, सब योगेश का है। सो जब आप ले सिटी आएंगे तो आपके पास सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो धूप है ना वो इतना तेज लगता है, क्या बोलूँ, जो आपका स्वेट निकलता है ना वो उड़ जाता है। सो मतलब यहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत कम है यहाँ, तो वो रीज़न है। सो वी आर गोइंग टू ले पैलेस, दिस इज ले पैलेस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाचेन पालकर पैलेस। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1600 बाई सेंगे नामगेल, तो देख सकते हैं यहाँ। इंडिया का सब पैलेस जा चुके हैं हम, ज़्यादातर पैलेस जा चुके हैं, और हमने एक ही नोटिस किया, जब भी पैलेस बनता है ना वो ऊपर टॉप हिल टॉप में ही बनता है, पैलेस हिल टॉप में ही बनता है। गोलकंडा फोर्ट भी गए हो ना, तो जहाँ भी जाएंगे तो हिल टॉप में ही बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ले सिटी इस तरह से बसा है, बहुत ही बढ़िया, इतना सुंदर दिख रहा है। ये हुआ एक पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, और यहाँ पे जितना भी वेजिटेशन, वही तो यहाँ जितना भी वेजिटेशन आया ना ये सब यहाँ का लोगों ने ही मतलब लगाया है, नेचुरल नहीं है, क्योंकि हर रोज़ पानी देना पड़ता है ये पौधों को, क्योंकि यहाँ का ह्यूमिडिटी इतना कम है कि रोज़ इन्हें पानी चाहिए। राइट नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस ले पैलेस व्हिच इज़ ऑल्सो नोन एज लाचेन पालकर पैलेस। सो ये बना था 1600 के आसपास, एग्जैक्ट 1600 में सेंगे नामगेल ने बनाया था, और जो टॉप फ्लोर है वो रॉयल फैमिलीज के लिए, जो नीचे वाला फ्लोर है वो उसमें स्टोर रूम कुछ ये सब है, और म्यूजियम भी है यहाँ पे, और पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे जो 450 साल पुरानी है, पर भी उसका अगर कलर देखेंगे ना वो इतना बढ़िया है, वो शानदार है अभी तक, क्योंकि वो जेम्स को निकाल के उससे पाउडर बना के वो पेंटिंग किया था उस वक्त, तो बहुत सुंदर है। और यहाँ का व्यू जो आप देख सकते हैं ले सिटी का, देखिए देख सकते हैं बढ़िया, शायद वर्ड से एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा, जब आप लोग यहाँ के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे वोंगदी भी, वोंगदी इस साइड तुम एंटी लाइट हो तो अगर इस साइड से आओगे ना तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो हम लोग ने तो घूम लिया, बहुत बढ़िया है, जितना भी पैलेस है ना ये एक दिन तो लगता है, क्योंकि बहुत सारा जगह है अंदर घुसने का, क्योंकि छोटा छोटा दरवाज़ा है, एक्सप्लोर करो बहुत सारा जगह है। तुम्हें कैसा लगा ये? मुझे इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे जो इसका यहाँ मेन ले पैलेस से टॉप फ्लोर का ले सिटी का व्यू इतना अच्छा देता है, कहीं से नहीं देगा। वही देखिए अब एक बार दिखा दीजिए ले सिटी का व्यू, देखिए वही वो लाजवाब है, वो सुंदर है, वो अति सुंदर है, क्या बोलूं। और इस साइड पैन करो भी नहीं दिखाओ यार ना। तो इस साइड देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी है, ये नेचुरल ग्रीनरी नहीं है, ये लोगों ने खुद लगाया है, क्योंकि इसको रोज पानी देना पड़ता है। क्या सुंदर व्यू है, जाने को मन ही नहीं कर रहा है। तो आज हमारा यहाँ लास्ट स्टे ले में, कल यहाँ से हम श्रीनगर की ओर निकलेंगे, तो ठीक है बाय बाय बोलते ले को अभी, तो फिर दोबारा मिलेंगे भाई लोग, दोबारा मिलेंगे। योगेश तुम्हें कुछ कहना है पैलेस के बारे में? बहुत मस्त है।
मस्त लगा पहले से इतना नौ स्टोरी का बिल्डिंग जैसा लग रहा है, वो भी पत्थर से बनाया, वो भी सच में बोल रहा हूँ, वो भी पत्थर एक एक पत्थर जोड़ के बनाया था उस वक्त तो उसका रिनोवेट करके थोड़ा सीमेंट लगा दिया क्योंकि इतना पुराना हो गया है, पर एक्चुअल में ये 9 स्टोरी है पत्थर वाला, मस्त एक बार आना चाहिए, एक बार आके देखना चाहिए। सो आज का शॉपिंग बहुत ज़्यादा हुआ, ये पुराना हो गया था, नया लेना था तो नया ले लिया, अभी की गया है नया इसमें तो ये एक ले लिया, इस साउंड टिक क्या बोलते हैं इसको, टिबेटन साउंड बोल कुछ बोलते हैं, एक दो गिफ्ट के ले लिया है, बहुत ही बढ़िया है। और एक फ्लैग लिया था जो बाइक में पुराना हो गया था, पहले वाला भी पुराना हो चुका था, वो पुराना हो चुका था और छोटा भी था तो बड़ा ले लिया, तो वो बाइक में अभी लगा चुका हूँ तो ऐसे ही चलते। तो अभी शॉवर करके बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, जितना भी मोनेस्ट्री है यहाँ का पहले से हमने घूम लिया, तो अभी लैपटॉप में मेरा यहाँ पे एडिटिंग चल रहा है तो फाइल भी ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी सामान को सब डालना है बैग में, देख सकते सामान किस तरह से पड़ा है, पूरा सामान को बैग में डालना है, कल हम जाएंगे लेह से श्रीनगर बाय कारगिल। सो तो जल्दी जल्दी करके सोना भी है, सुबह उठना भी, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सो बाय। तो कल हम जाएंगे लेह से कल हम जाएंगे लेह से कल हम